Hi, this is Kavita. What kind of eater you are? Awkward question? No, it's not awkward. You know, there are six kind of eaters in us. हमें जो है वो six छह तरह के हम लोग eaters होते हैं हम लोगों में. तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ. तो उसमें जो सबसे पहले तरह के eaters होते हैं, those are emotional eaters. और उनका special क्या होता है कि when they feel sad, they eat. When they feel happy, they also eat. कि यानी कि वो अपने जो emotions हैं उनके साथ cope up करने के लिए you know there is only one companion they have, that is food. They reach out to food easily. और जो कैरन है वो nutritionist कैरन स्टेनली she says कि जो हम लोग जो boredom है that is also an emotion. Or to avoid that boredom or to feel that boredom, you know, to entertain ourselves, we usually have food. जब हम bored feel करते हैं तो हम खाने तक पहुँचते हैं और you know खाना शुरू कर देते हैं अपने आप को engage करने के लिए या फिर अपने आप को entertain करने के लिए. तो जो emotional eaters हैं उनको अपने emotion को that you know keep in check their emotions और कुछ और techniques उनको they need to learn to cope up with their emotions instead of having food. और दूसरे जो ईटर्स होते हैं वो हैं कि जो जो लोग अनकॉन्शियस ईटर की वेन एवर दे सी फूड दे जस्ट पिक दैम अप, वो तुरंत उसे खाना शुरू कर देते हैं. दे सी इट और दे ईट इट. ऐसे लोग जो हैं वो अगर ऑफिस में हैं तो अगर वहाँ पर कोई मतलब उनकी पेंट्री है कुछ भी है और दे सी फूड तो दे जस्ट यू नो कीप ईटिंग, वो खाना शुरू कर देंगे. या फिर जो बूफे में जाते हैं तो दे ओवर ईट, ओवर इंडल्ज इन फूड. और अगर पार्टी में जा रहे हैं या कहीं भी मतलब इवन स्पेशली जो है अगर वो फ्री फूड अवेलेबल है तो यू नो दे जस्ट यू नो ओवर दे यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दे ओवर ईट. तो उनको फ्री फूड से और इस तरह के उससे बूफे से और इस तरह के जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं उससे बचना चाहिए और थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें बिकॉज दे आर मोस्टली ओवर वेट पीपल. तो जो थर्ड टाइप के हैं वो हैं हमारे जो हैबिचुअल ईटर होते हैं. हैबिचुअल ईटर की जो यू नो दे ईट ऑन पर्टिकुलर टाइम एवरीडे, एक ही टाइम पर खाते हैं और एक सेम फूड दे ईट एवरीडे. वो एक ही टाइम पर और एक ही खाना डेली खाते हैं. बट ऐसे लोग जो होते हैं वो दे यूजुअली बर्न आउट और वेन एवर दे फील बोर दे यू नो दे गो हेवायर. और जब वो मतलब उनका वो जो बर्नआउट फील करते हैं कुछ होते हैं तो उनका शेड्यूल एकदम से वो हो जाता है और दे यू नो दे डू बिंज ईटिंग, वो एकदम से बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो ऐसे लोगों को जो है वो अपने शेड्यूल दे नीड टू स्टिक देयर शेड्यूल और कभी कभी यू नो वंस इन अ वाइल उनको जो है वो दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए. और जो हमारे फोर्थ तरह के ईटर हैं वो हैं जो कि सेंसुअल ईटर होते हैं जो अपने सेंसेस के लिए खाते हैं. कि उनकी जो टेस्ट बर्ड्स होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट यू नो दे आर मोर एक्टिव, मतलब वो कुछ नया नया खाना चाहते हैं. वो उनको जो है वो रेगुलर फूड और दे फील यू नो बोरिंग, दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एवरी टाइम. वो हमेशा इस सर्च में रहते हैं अपने टेस्ट बर्ड्स को ना हमेशा सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नए नए फूड ट्राई करते रहते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब इफ़ दे आर ईटिंग वन और टू यू नो थ्री बाइट्स इट्स ओके, बट उनको दे नीड टू यू नो अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप टू थ्री बाइट्स भी खाते हो तो दो दे यू नो दे फील द सेम टेस्ट और अगर आप 15 भी खाते हो तो भी आपका जो है वो टेस्ट ठीक रहेगा. मतलब अपने आप को उनको अपना पोर्शन जो जो उनका जो पोर्शन है ऑफ ईटिंग जो फूड का फूड पोर्शन जो है वो दे नीड टू कीप इन चेक, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. बिकॉज वो जब नए नए फूड ट्राई करते हैं तो वो टेस्ट के उसमें जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं. तो उनको इससे बचने के लिए जो है वो अपने आप को थोड़ा सा पोर्शन को कंट्रोल करना चाहिए और सिर्फ टेस्ट के लिए ट्राई करें नए नए डिश, तो वो दैट वुड बी बेटर फॉर देम. और हेल्दी फूड ट्राई करें. और जो हमारे नेक्स्ट हैं वो है एनर्जी ईटर. अभी एनर्जी ईटर कैसे होते हैं? एनर्जी ईटर होते हैं कि जो एनर्जी के लिए खाते हैं, कि मतलब वो उतना ही मतलब द सेम अमाउंट दे डू यू नो वर्कआउट और समथिंग और वो फिर उसको जो है वो करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए दे ईट. तो इफ़ दे आर डूइंग यू नो वन आवर कोई भी एक्सरसाइज, कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वो 300 कैलोरीज इफ़ दे आर बर्निंग इन वन आवर तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दे ईट यू नो मोर फूड. तो कभी कभी वो दे ऑलवेज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम दे ईट हेल्दी फूड बट दे गो ओवर बोर्ड.
और वो ज़्यादा खा ले, मतलब उसको जो है ना दे यू नो दे ओवर ईट, वो हेल्दी फूड तो खाते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड, और उसकी वजह से वो जो है कई बार बहुत ज़्यादा वेट उनका भी पुट ऑन हो जाता है। तो उनको भी अपने एनर्जी को उसको देखते हुए, उसको कैलकुलेट करते हुए एक लिमिट पोर्शन में ही, चाहे हेल्दी फूड हो, जो कोई भी फूड हो, हेल्दी फूड हो या कुछ भी है, तो आप उसको लिमिट में ही खाइए। और जो हमारे नेक्स्ट हैं वो हैं कि जो क्रिटिकल ईटर होते हैं, क्रिटिकल ईटर वो होते हैं कि दे ट्राई यू नो ईच एंड एवरी डाइट यू नो इन अ बुक, यू नो अंडर द स्काई जो भी तरह की डाइट है इस उसमें वो सब ट्राई कर चुके होते हैं। और वो लोग जो है वो उनका क्या होता है कि वो योयो डाइट भी या तो मतलब बिल्कुल ही नहीं खाते, या तो ऑल इन या ऑल आउट, या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल एकदम स्टिक डाइट पर रहेंगे, और या फिर जो है वो सब कुछ जब खाएंगे तो सब कुछ खाएंगे। तो ऐसे जो वो होते हैं वो दे लूज़ वेट, जो शॉर्ट टर्म में तो दे लूज़ वेट, बट इन अ लॉन्ग टर्म यू नो दे स्टार्ट पुटिंग वेट, दे एंड अप यू नो बीइंग यू नो ओबीज, और वो बाद में उनका वेट पुट ऑन होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ही क्रिटिकल डाइट में, बहुत ही सारी डाइट रेस्ट्रिक्टेड डाइट में रहते हैं। तो जब वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर यू कांट यू नो टेक इट लॉन्गर टाइम, तो फिर वो जब वो टूटता है तो दे यू नो ऑल इन उनका शुरू हो जाता है, या तो ऑल आउट रहता है शुरू में और फिर ऑल इन शुरू होता है, तो दे पुट अप वेट। तो इस तरीके से 6 टाइप काइंड ऑफ ईटर्स मैंने आपको यू नो अभी बताए हैं, और मैंने आपको उसकी टेक्निक भी दी है कि किस तरीके से अगर आप यू नो यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ ईटर यू आर, यू कैन फिगर आउट, और फिर आप अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में आप फिट होते हैं तो फिर आप उस तरीके से जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं उस तरीके से अपने आप को, अपने ईटिंग हैबिट्स को मैनेज कर सकते हैं और एक बेटर हेल्थ ले सकते हैं और एक बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं। तो मुझे यू नो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।